नमस्कार छात्रों, कल हमने पाठ दो पढ़ा था जिसका नाम था भिक्षा पात्र। भिक्षा पात्र पाठ में हमने जाना कि गौतम बुद्ध नगर में पड़े अकाल से बहुत ज़्यादा चिंतित थे और उन्होंने सभी भक्तजनों व धनी लोगों की एक सभा बुलाई और सभा में उन्होंने लोगों से पूछा कौन है जो नगर में भूखे लोगों को अन्न देना चाहता है या कौन खाना खिलाना चाहता है। तो सभी लोगों ने मना कर दिया। तभी आनंद पिंडक की बेटी सुप्रिया ने यह जिम्मा लिया और उसने कहा कि मैं नगर के हर व्यक्ति तक खाना पहुंचाऊंगी। यह सुनकर गौतम बुद्ध ने उसने तथा अस्तु का आशीर्वाद दिया और उसके बाद नगर के लोगों ने भी उसके भिक्षा पात्र में अपने धन के अपने भंडार उलीच दिए और कोई भी व्यक्ति नगर में भूखा नहीं रहा। तो कल हमने यह पाठ पढ़ा था, आज हम आगे पढ़ेंगे जो है इसका पाठ नंबर 2 के मौखिक प्रश्नोत्तर। तो ज़रा ध्यान से सुनिए, क्या है मौखिक प्रश्नोत्तर? प्रश्नोत्तर में गांव में क्या हुआ था, कि गांव में क्या हुआ था, क्या हुआ था मतलब क्या हो गया था, क्या हुआ था, लोग परेशान क्यों थे, क्या हुआ था। तो गांव में अकाल पड़ा हुआ था। तो गांव में क्या हुआ था, गांव में अकाल पड़ा हुआ था। क्या पड़ा हुआ था गांव में? अकाल पड़ा हुआ था। अकाल क्या होता है? अकाल होता है जब खाने पीने की कमी हो जाती है, बारिश नहीं होती है और खाने पीने की कमी हो जाती है, उसे बोलते हैं अकाल। फिर है पशु पक्षी क्यों व्याकुल थे? व्याकुल का मीनिंग क्या होता है बच्चों? व्याकुल का मीनिंग होता है कि वो क्यों परेशान थे। पशु पक्षी प्यास के कारण व्याकुल थे। पशु पक्षी प्यास के कारण व्याकुल थे। फिर है आपका प्रश्न नंबर 3, नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का जिम्मा किसने लिया? कि जब नगर के सभी धनी लोगों ने और सभी सेनापति ने और जो और थे उनके शिष्य थे, जब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हम पूरे नगर के लोगों तक खाना वो अनाज नहीं पहुंचा सकते, तो यह जिम्मेदारी किसने ली? मतलब जिम्मा होता है किसने इस बात को कहा कि मैं इस कार्य को करूंगा या करूंगी। तो इसका उत्तर क्या होगा? नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का जिम्मा किसने लिया बच्चों? सुप्रिया ने लिया। नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का जिम्मा सुप्रिया ने लिया। अब सुप्रिया कौन थी? सुप्रिया जो गौतम बुद्ध थे उनके प्रिय शिष्य आनंद पिंडद की बेटी थी। आपका एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सुप्रिया कौन थी? सुप्रिया गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद पिंडद की बेटी थी। अब हम आखिरी वाले क्वेश्चन में आएंगे, मौखिक का आखिरी क्वेश्चन है, सुप्रिया को क्या आशीर्वाद मिला? कि सुप्रिया को क्या आशीर्वाद मिला? सुप्रिया को जब सुप्रिया ने सभी लोगों को अनाज पहुंचाने की बात कही तो उसको उन गौतम बुद्ध ने क्या आशीर्वाद दिया? सुप्रिया को गौतम बुद्ध ने तथा अस्तु का आशीर्वाद दिया।